एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th NCERT। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस हैं लीनियर इक्वेशंस के कि फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कि हमें जो इक्वेशंस है वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी थी, यहाँ पे हम क्या देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। देखिए किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से सपोज हमने y की वैल्यू फाइंड करी तो y हो गया 14 माइनस एक्स। ओके, यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड करी, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू फाइंड करी है तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से अगर हम फाइंड करते तो फर्स्ट में हम पुट करते, ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट से फाइंड करेंगे तो ये y की वैल्यू आई जो यहां सेकेंड में पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 2 में रख दीजिए। देखिए यहां पे क्या है, ये x माइनस y की जगह आप ये वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे तो ये हुआ x प्लस 4 इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन करी है, माइनस था तो अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, तो ये हुआ आपका 2x, x हो गया प्लस और x हो गया प्लस, तो ये कितना हुआ, ये 2x है। अब यहां से 14 को इधर शिफ्ट करिए तो प्लस होगा, तो यहाँ पे हो गया ये 18 एंड x इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब x की वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो इसको हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहां से आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 14 माइनस 9, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, तो इट इज योर आंसर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए ये आपका आंसर आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे आप इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पुट करेंगे हम तो 9 एंड 5 14, 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उसे चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बस इसमें ये चेंज है, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपको फ्रैक्शन में दी हुई है। देखिए किस तरह से करेंगे इसे हम, फर्स्ट इक्वेशन आपकी सिंपल है, सिंप्लीफाइड है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आपको क्या करना है, x और s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाइड है, सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6, और इक्वेशन नंबर 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी, 6 यहां पे आएगा तो क्या होगा आपका 2s प्लस 6t और अपॉन 2 है तो ये हो जाएगा 3t एंड 6 कितने हो गए आपके 36। ओके, अब यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब सिंप्लीफाई किया हमने तो यहां पे ये आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए ये है s माइनस t इक्वल टू 3, तो यहां से अब s की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा t प्लस 3। तो जैसे यहां पे हमने y की वैल्यू फाइंड करी थी, यहां पे हमने s की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहां पे कोई ऐसा वो नहीं है कि इशू कि हम फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू फाइंड करें या सेकंड की फाइंड करें। किसी क्वेश्चन से फाइंड करिए हमने, फर्स्ट से करिए, इसको हमने लिखा है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3
और अब जो ये वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर टू में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू, तो ये हुआ टू और एस की जगह आपने लिखा टी प्लस थ्री और प्लस कितना हुआ थ्री टी इक्वल टू 36। तो सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाइड थी, सेकंड को हमने सिंप्लीफाई करा इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और उससे फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन से एस की वैल्यू फाइंड करी टी प्लस थ्री और इसको हमने सेकंड में पुट कर दिया, ठीक। तो अब टी की वैल्यू आ जाएगी तो कितना हुआ ये टू टी प्लस सिक्स प्लस थ्री टी इक्वल टू 36, थ्री एंड टू तो ये हो गया आपका 5t प्लस 6, बल्कि इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36 है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 6। तो आपकी t की वैल्यू यहां पे फाइंड हो जाती है। अब t की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देंगे, तो यहां पे इक्वेशन नंबर थ्री, फिर आपको ये लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर थ्री, तो यहाँ पे एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी एस इक्वल टू टी एंड प्लस थ्री, तो एस इक्वल टू कितना हो गया ये आपका 9, तो ये आंसर हुआ आपका एस इक्वल टू 9 एंड टी इक्वल टू 6। ओके, अब देखिए चेक कर लीजिए, एस की वैल्यू 9 है टी की वैल्यू 6 है, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3 हो रहा है। अब यहां से भी हम इक्वेशन नंबर 2 को भी चेक कर लेते हैं, एस की वैल्यू 9 है तो 3 जा 9 हुआ, टी की वैल्यू 6 है 2 जा 6 हुआ, 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है, इसको आपको आंसर शीट में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फोर्थ हम आपको कराते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट देख के तो टेंशन होती है हमें, तो हम इसी को आपको सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, सॉल्व अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई आपकी 2 हो गई। ओके, अब देखिए यहां पे फर्स्ट प्लेस के बाद में डेसिमल है, तो जब फर्स्ट प्लेस के बाद में डेसिमल होता है तो क्या करेंगे हम, सब में ईच टर्म है फर्स्ट एक वन प्लेस के बाद डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाई 10। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये हो गई, यहां पे आएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ओके, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये हो गया, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमने लिया यहां पे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पे क्या है ये 4 और x की जगह आपने लिखा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 4x प्लस 3y, तो x की जगह हमने 13y माइनस 3y अपॉन 2 यहां पे पुट किया है, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा आपका 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, माइनस कर दीजिए तो यहां हो गया y इक्वल टू 26, को जब इधर हम
प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में और यहां वैल्यू आएगी आपकी कितनी माइनस थ्री आ जाएगी। ओके, अब ये वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं कहां पे, इक्वेशन नंबर थ्री में। तो इक्वेशन नंबर थ्री में आप पुट करोगे तो यहां से आपको क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर थ्री देखिए, x इक्वल टू 13 माइनस थ्री एंड माइनस थ्री और अपॉन में कितना है, टू है। अब देखिए दोनों ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और अपॉन कितना हो गया, 2। 13 एंड 9 22 अपॉन 2, तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 22 अपॉन 2 मींस 11। तो x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू माइनस 3, इट इज योर आंसर। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट तो यहां पे आ रहा है, इसमें आंसर ही गिवन नहीं है आपको, 2 एंड 3 चेक कर लीजिए इसे। यहां पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 2.2, चेक कर लेते हैं। यहां पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, x की 11 है तो ये हो जाएगा 2.2, y की वैल्यू माइनस पे है तो कितना होगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 0.9 होगा। अब इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 1.3 आ रहा है। ठीक है, यहां से चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपने 11 पुट करा तो ये हुआ आपका 4.4। ठीक है, माइनस इसे करिए, वाई की वैल्यू 3 रखिए तो 3 × 5 1.5 हो जाएगा माइनस का। अब इसको आप सब्ट्रैक कर दीजिए तो ये हुआ कितना, 14। अब 14 में से 5 माइनस करा तो आपका हो जाएगा ये कितना, तो यहाँ पे क्या आंसर आपका गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे ये आपका गड़बड़ हुआ है। देखिए क्वेश्चन पहले चेक किया करिए, 0.2 0.3 वाई इक्वल टू 1.3, 0.4 0.5 इक्वल टू 2.3। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करा 2x 3y 13, राइट, 4x 5y 23, ये भी ठीक है। तो 2x इक्वल टू 13 − 3y करेक्ट हो गया, x इक्वल टू 13 − 3y अपॉन 2, ये आपका ठीक है। अब ये वैल्यू हमने पुट करी है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो 4 13 − 3y अपॉन 2 प्लस 5y = 23। ओके, ये कैंसिल हो गया तो ये हुआ आपका 26 − 6y + 5y = 23। ओके, तो ये हुआ आपका y, देखिए यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे 6y माइनस है और 5y क्या है आपका प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा ये चीज, अब माइनस में है ये, यहां से हम 26 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो y की वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगी, आपकी प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको आंसर चेक करने से ये फायदा होता है। अब यहां से आपको ये पता लगा कि y इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 − 3 × 3 और अपॉन 2, तो ये हुआ 13 − 9, तो 13 − 9 मीन्स 4 4/2 और 2 2 = 4, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 एंड y इक्वल टू आया आपका 3, इट इज द करेक्ट आंसर। तो ये है कि जैसे हमने कहा था, इक्वेशन के क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर जो आएगा एक्स वाई या x की वैल्यू जो आती है वो दोनों इक्वेशन में आप पुट करके उसे चेक कर लीजिए कि आंसर आपका टैली हो रहा है या नहीं। ओके।